आरबी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा मामला उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर दलित समाज के करीब 250 से ज्यादा लोगों के घर थे और वो पिछले कई सालों से लगातार यहां पर रह रहे हैं, आजादी के बाद लगातार यहीं से रह रहे हैं। उन घरों को यहां दिल्ली सरकार के द्वारा अवैध बताकर तोड़ने की कोशिश है वो की जा रही है और उन लोगों पर कई ज्यादा घरों को अभी तक तोड़ा जा चुका है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इस कार्रवाई को तुरंत है वो रोका जाना चाहिए। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर से एक ट्वीट पोस्ट करते हुए लिखा, देश की राजधानी दिल्ली के सिविल लाइंस के खैबर पास में वाल्मीकि समाज के 250 से ज्यादा घर है और यहां पर 80-80 साल ये पुराने हैं। एक वाल्मीकि समाज का मंदिर भी बना हुआ है। 4 महीने पहले का नोटिस आज दिखाकर 250 मकानों को जमींदोज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री बताया कि आखिर ये लोग कहां जाएंगे। केंद्र सरकार को घर खाली करवाने से पहले नए घर का मुआवजा इन्हें करवाना चाहिए था। आखिर कब तक हमारे लोगों के कच्चे पक्के आशियानों को उजाड़ा जाता रहेगा। और साथ ही ये मांग करता हूं कि बुलडोजर की इस कार्रवाई को तुरंत रुकवाया जाए। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने मांग की है कि जो लोग 80-80 साल से यहां पर रह रहे हैं और जिनके पास बिजली कनेक्शन से लेकर तमाम जो सरकार की योजना होता है उनका उनके पास हक अधिकार, तो फिर आखिर किस बिना पर सरकार के द्वारा इन लोगों के आवास वो तोड़े जा रहे हैं। पिछले दिनों कई लगातार जयपुर में भी इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिली, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके की घटना जो हो रहा है उस घटना को लेकर भी काफी ज्यादा लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब दिल्ली में हो रही इस कार्रवाई पर भी चंद्रशेखर आजाद ने बड़े सवाल खड़े